नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज हम दिखाने जा रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म जिसे बनाया है हमारे वर्कशॉप के स्टूडेंट्स ने मिलकर के। हमारे जो 5 डेज के वर्कशॉप होते हैं, इसके बारे में हम पहले भी किसी वीडियो में बता चुके हैं, ये जिसमें कंप्लीट नॉलेज दी जाती है स्क्रिप्टिंग की, डायरेक्शन की, सिनेमाटोग्राफी की, एडिटिंग की और फिल्म के प्रमोशन और एग्जीबिशन वगैरह सारी चीज़ों की जानकारी दी जाती है। ये लोग मिलकर के अपने आइडियाज़ को लाते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं हमारे मेंटर्स के देखरेख में, सिनेमाटोग्राफी करते हैं उस कैमरे से जिस कैमरे से एक फिल्म की शूटिंग होती है, यानी बड़े लेवल के जो फिल्म होते हैं उसकी जो शूटिंग एरिया रेड से होता है, तो इसमें रेड कैमरे से शूटिंग किए हैं इन लोगों ने, और किस तरह की लाइटिंग की है, क्या एडिटिंग की है और किस तरह से इसको परिष्कृत रूप से आपके सामने लाया गया है, इसे आप देखिए और इन्जॉय करिए। ये क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पर? कल दिन भर में मैंने जितनी सफाई की ना, पूरी जिंदगी में भी नहीं की थी इतनी। कोई अपने ही घर को इतना गंदा कैसे बना के रख सकता है? मैडम, 10 साल से बंद पड़ा था। जायदाद में कोई और बंगलो नहीं मांग सकते थे? तुम औरतों को ना कभी सेटिस्फेक्शन तो मिल ही नहीं सकता। हार दिला दो तो नेकलेस नहीं दिला सकते थे, सूट दिला दो तो साड़ी नहीं दिला सकते थे। वो मेघा के पति को देखो, हमेशा 4-4 साड़ियां दिलाता है। चाउमीन खिलाने लेकर जाओ तो पिज्जा नहीं खिला सकते थे, पिज्जा खिलाओ तो आज बर्गर खाने का मन है। मसूरी लेकर जाओ तो दार्जिलिंग का टिकट क्यों नहीं लिया? शॉपिंग के लिए कैश दो तो बैंक में ट्रांसफर क्यों नहीं किया? अबे हम आदमी हैं, कंप्लेंट रजिस्टर। और तो और निकल गई सारी गैस, क्या अभी अटकी है? अबे साले ये क्या किया, खुद पर ही गोली चला दी। शारु, मैं ये अपने लिए थोड़ी बोल रहा था, मतलब दूसरे मर्द ऐसा सोचते होंगे ना। तुम मर्द नहीं हो शारू। जानू ये जुबान ना बहुत कुत्ती चीज होती है, मुंह से बाहर आकर लपलपाकर वापस चली जाती है, लेकिन भुगतना पूरे शरीर को पड़ता है। भुगत तो ये श्रद्धा रही है तुमसे शादी करके, और तुम तो सिर्फ इस मोबाइल में पड़े रहो। घुस जाओ इस फोन में। अरे रुको, बाबा ने मना किया था उसको छूने के लिए हमेशा। क्यों, मैं अछूत हूँ क्या? कब से बन पड़ी है? अरे रुको। सुमन, ये देखो इतनी पुरानी घड़ी और मेरे हाथ लगा दी चलने लगी। लो टाइम ठीक करो। और देखा मेरे टच का कमाल। तुम्हारे टच से तो इलेक्ट्रिसिटी को करंट लग जाता है। बस एक तुम्हारी मॉम ही है जिनका घुटना नहीं हिल पा रहा। देखो मॉम को बीच में मत लाना, मैं कह रही हूँ मॉम को बीच में मत लाना। मुझे पता है 15 दिनों से मॉम यहाँ पर मेरी सुविधा के लिए आई हुई है, और तुम्हें ना बहुत तकलीफ हो रही है। और उसका क्या, जब तुम्हारे घर वाले यहाँ 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं तब तुम्हारी जबान नहीं हिलती है ना? और वैसे भी वो घर मेरा भी है, जितना दिन चाहे रह सकती है वो। ये देखो इतनी पुरानी घड़ी और मेरे हाथ लगाते ही चलने लगी। लो टाइम ठीक करो। और देखा मेरे टच का कमाल। तुम्हारे टच से तो इलेक्ट्रिसिटी को करंट लग जाता है। बस एक तुम्हारी मॉम ही है जिनका घुटना नहीं हिल पा रहा। मॉम को बीच में मत लाना, मैं कह रही हूँ मॉम को बीच में मत लाना। ये देखो इतनी पुरानी घड़ी और मेरे हाथ लगाती चलने लगी। लो टाइम ठीक करो। और देखा मेरे टच का कमाल।
लो, टाइम ठीक करो। और देखा मेरे टच का कमाल। तुम्हारे टच में तो जादू है शारू, मुझ जैसे खोटे सिक्के को चला दिया तो ये घड़ी क्या चीज है। आखिर आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से ही तो हूँ। इसमें मैंने क्या किया, इसमें सब मेहनत तुम्हारी तो है, और फिर पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। अरे हाँ, अभी तो ऊपर वाले कमरे की सफाई भी करनी है, भूख लगी है मुझे सुमन। हाँ तो किचन तो साफ है ना, कुछ अच्छा सा बना लो, मुझे भी भूख लगी है। क्या हा? मैं भी थकी हूँ यार, तुमने समझ क्या रखा है मुझे। पत्नी अभी तुमने ही तो कहा। क्या पत्नियाँ नौकरानी होती है? मतलब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँ, तुम्हारे घर की साफ सफाई करूँ, तुम्हारे बर्तन धोऊँ, तुम्हारे कपड़े धोऊँ, और फिर बच्चा हो जाए फिर मैं उसे भी संभालूँ। और तुम लोग सिर्फ बिजनेस का एक बहाना करो। मैं नहीं जानती ऑफिस में क्या होता है, रात के 11-11 बजे तक घर आते हो। ऑफिस को ना मनोरंजन का एक सेंटर बना रखा है। और वो अर्पिता वो क्या करती है रात रात तक वहाँ पर? हाँ सब जानती हूँ मैं। मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। अरे हाँ, अभी तो ऊपर वाला रूम भी साफ करना है, मुझे भूख लगी है सुमन। अरे मुझे भी, एक काम करता हूँ, ऑर्डर करता हूँ। बताओ क्या खाओगी? कल भी तो बाहर का खाया था, और वैसे तुम्हें मेरे हाथ का अच्छा लगता है ना, तो मैं अभी बना के लाती हूँ, और वैसे भी किचन भी तो साफ है। अरे रुको, तुम इतना ध्यान रखोगी तो मेरे ऑफिस में मन कैसे लगेगा। अच्छा हाँ? काश ऐसी ही कोई घड़ी हमारे पास भी रहती। नॉट पॉसिबल ना, पर हमारे पास एक चीज है और वो है सही शब्दों का चयन। अगर हम कुछ भी बोलने से पहले उसके परिणामों के बारे में सोच ले तो हमारे जीवन, समाज और परिवार के साथ साथ विश्व में भी शांति बनी रहेगी, है ना? कहाँ मम्मी, अभी तो सफाई चल रही है। कहा था ना अपना घर अपने हाथों से संवारूंगी। नौकरानी तो हुई ना मैं। सही कहा था मम्मी आपने। कहाँ मम्मी, इनको अगर मुझ पे खर्चा करना होता है ना तो इनका पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। छोड़ो मम्मी, तुम भी ना। अच्छा चलो मैं रखती हूँ, मैं रात को आराम से फ्री होकर बात करूंगी। डाल दी मम्मी ने कान में ड्रॉप। पहले ये बताओ तुम्हें मेरी मम्मी इतनी चुपती क्यों है? मुंह मत खुलवाओ मेरा। क्यों, पड़ोस वाली मीना को देखकर तुम्हारा मुंह तो इतना बड़ा खुल जाता है? ये चाइनीज जैसी आंखें भी ना बटाटे वड़े की तरह बड़ी बड़ी हो जाती है। अरे कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही हो? सही जगह जोड़ रही हूँ। मुझे नहीं पता तुम शाम की चाय बालकनी में बैठ के क्यों पीते हो, वो सामने वाली पड़ोसन निशी को ताड़ने के लिए। मैं चाहूँ ना तो तुम्हारे जैसे हजार लड़के अपने आगे पीछे घुमा सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे जैसे नहीं हूँ। फाइनली तुम्हें आज बताना पड़ेगा कि मेरी मॉम तुम्हें इतनी चुपती क्यों है।
और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि अपना कमेंट्स दें और इन सभी स्टूडेंट्स का हौसला अफजाई करें। नमस्कार।